Hello guys, welcome back to the new video. I'm back with the latest update of Anupama. The spoiler alert लेके मैं आ गई हूँ आपके पास. So guys, upcoming episode होने वाला है आपके और मेरे show से भी ज़्यादा रोमांचक, जहाँ आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि अनुज और श्रुति इन दोनों का तो शादी होने वाला था, एंड देन उसके बाद जो आलिया है वो भी बहुत ज़्यादा ही अनुपमा से टेंस खाती है और उसने तो श्रुति को अपने माँ के रूप में स्वीकार भी कर दिया है. बट आप तो जानते ही ना, किडनैपर ने श्रुति को गोली मार दिया था जिसकी वजह से श्रुति हॉस्पिटलाइज हो चुकी है और अनु को श्रुति का शादी पोस्टपोन हो चुका है. एंड देन उसके बाद आलिया को भी बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आ रहा है. तो यहाँ पे अनुज बोलता है अनुपमा को घर वापस आ जाओ, और जैसे ही वो घर जाती है आलिया का ख्याल रखने के लिए, तो आलिया भी उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है. एंड उस सारी चीज़ों को सह कर अनुपमा अनुज के घर पे रहती है ताकि आलिया का मतलब ख्याल रख सके. एंड देन उसके बाद अनुपमा को दोबारा वाइल्ड कार्ड एंट्री में मास्टर शेफ इंटर करने का मौका मिल जाता है और वो उस मौका को पूरी तरीके से खोना नहीं चाहती. और उसके बाद जो उसके पास रेसिपी बुक होता है जो माँ ने दिया था, वो बुक को आलिया जला देती है क्योंकि वो सोचती है कि मास्टर शेफ की कॉम्पिटिशन की वजह से अनुपमा अमेरिका में, अगर ये बुक ही नहीं रहेगा और ये कॉम्पिटिशन ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ से जीतेगी और उसे दोबारा इंडिया जाना पड़ेगा और वो हमारी जिंदगी से दूर चली जाएगी. यही तो शादी आती है. और श्रुति भी इस सब चीज़ में पूरे तरीके से साथ देती आलिया का, क्योंकि श्रुति भी चाहती है कि जल्द से जल्द उसको अनुज की शादी हो जाए और अनुपमा के रहते हुए अनुज की शादी नहीं हो पाएगी श्रुति से. बट अनुपमा कैसे भी करके मास्टर शेफ का खिताब अपने नाम कर ही देती है. सो गाइस, 5 साल का लीव आ जाने के बाद, अमेरिका चले जाने के बाद अनुपमा में बहुत ऐसे कैरेक्टर आए हैं जिसमें आपको ये 5 साल के लीव के बाद इसका स्टोरी लाइन कितना हद तक अच्छा लग रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. बी विद मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. तब तक के लिए जा जा, बाय बाय.